इंडिया के कोच को लेकर आशंकाओं का दौर खत्म होने जा रहा है। लंदन से आ रही खबरों के मुताबिक मौजूदा कोच अनिल कुंबले की कुर्सी बरकरार रहेगी। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण वाली तीन सदस्यीय क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने कुंबले कोच को बनाए रखने का मन बना लिया है। कुंबले का एक साल का कॉन्ट्रैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खत्म हो रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो कुंबले को कोच के तौर पर टीम इंडिया की कमान 2019 के वर्ल्ड कप तक की दी गई है। बुधवार को रिपोर्ट्स आई थी कि बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी की समाप्ति से पहले ही एक नए कोच की घोषणा कर देगा। साथ ही चयन प्रक्रिया में सीधे प्रवेश देने के बावजूद कुंबले ने कोच के लिए एक बार फिर आवेदन किया है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में कहा गया कि विराट कोहली ने सीएसी के दो सदस्यों को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड जाने से पहले इस प्रक्रिया में रवि शास्त्री को शामिल करने को कहा था। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने ये भी बताया कि कोहली ने कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि कुंबले से उनको कोई समस्या है। उन्होंने कहा कि अगर नया कोच चुना भी गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कोहली के मन मुताबिक काम करेगा। NMF News की रिपोर्ट।